चिकित्सा सहायता की प्रतीक्षा करते समय पीड़ित की मदद के लिए प्राथमिक चिकित्सा दें। यदि आप अकेले हैं तो मदद के लिए कॉल करने से पहले सुनिश्चित करें कि वे सांस ले रहे हैं और अब वे कीटनाशक के संपर्क में नहीं हैं। सहायता करने से पहले और उसके दौरान खुद का बचाव करें। सहायता करने से पहले एक बंद जगह पर उचित पीपीई पहनें और यदि सलाह दी गई हो तो रेस्पिरेटर भी पहनें। अगर पीड़ित सांस नहीं ले रहा है और उल्टी नहीं कर रहा है तो उसे CPR दें। तुरंत कार्रवाई जीवन या मृत्यु का कारण हो सकती है। अगर मौखिक या त्वचा का एक्सपोजर हुआ है तो कीटनाशक को डाइल्यूट करने और अधिक अवशोषण को रोकने के लिए प्रभावित जगह को पानी से धोएं। हमेशा स्वच्छ पानी का एक स्रोत उपलब्ध रखें। किसी चरम आपातकाल में कीटनाशक को धोने तथा डाइल्यूट करने के लिए खेत के तालाब सिंचाई प्रणाली के पानी का उपयोग करें। किसी बेहोश व्यक्ति को कभी मुंह से कुछ भी देने का प्रयास न करें। जब तक लेबल ना कहे तब तक उल्टी लाने का प्रयास ना करें। CPR देने की जानकारी रखें। यदि व्यक्ति सांस लेना बंद कर देता है या उसकी हालत बिगड़ जाए तो CPR जरूरी हो सकता है। अगर पहले अनुकारी कीटनाशक के संपर्क में आ सकते हैं तो सुनिश्चित करें कि वे PPE पहने। आंख आसानी से सामग्री को अवशोषित कर देती है, इसलिए तुरंत कार्रवाई आवश्यक है। पलक को खुली रखें और साफ पानी की बूंद से धीरे से धोना शुरू करें। आंख को धोने के लिए जब तक कि किसी चिकित्सा पेशेवर या विष नियंत्रण केंद्र द्वारा निर्देश न दिया गया हो, रसायनों या दवाओं का उपयोग न करें। पानी को आंख में सीधे टपकाने के बजाय तिरछा टपकाएं। आंख को लगातार 15 मिनट तक धोएं। यदि केवल एक आंख प्रभावित हुई हो तो सावधान रहें कि दूसरी आंख दूषित न होने पाए। कचरे को हटाने के लिए पलकों के नीचे पानी डालें। आंख को साफ कपड़े से ढकें और तुरंत चिकित्सा प्राप्त करने का प्रयास करें। कुछ कीटनाशकों जैसे कि एंटीकोगुलेन टाइप रोडेंटिसाइड्स, ऑर्गेनोफॉस्फेट या कार्बामेट कीटनाशकों के लिए विषनाशक दवा उपलब्ध है। यदि इनका दुरुपयोग किया जाए तो ये बहुत खतरनाक हो सकती है। इन्हें केवल एक योग्य चिकित्सा पेशेवर द्वारा निर्धारित और दिया जाना चाहिए। विषैलेपन की रोकथाम के लिए विषनाशक दवा का उपयोग कभी नहीं किया जाना चाहिए। EPA के अनुसार कीटनाशकों को प्रतिबंधित उपयोग या अवर्गीकृत या सामान्य उपयोग के रूप में वर्गीकृत किया गया है। प्रतिबंधित उपयोग के लिए विशिष्ट ध्यान देने की आवश्यकता होती है क्योंकि वे मनुष्यों, मवेशियों, वन्य जीवों या पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अवर्गीकृत या सामान्य उपयोग में आमतौर पर कम विषैलापन होता है और ये मनुष्य और पर्यावरण के लिए कम हानिकारक होते हैं। इन्हें कोई भी बिना परमिट या प्रतिबंध के खरीद सकता है। डेंजर पॉइजन ऐसा विष होता है जो किसी भी प्रवेश मार्ग से प्रविष्ट कर सकता है। विषैलापन मौखिक, त्वचीय या सांस लेने से हो सकता है। इसमें खोपड़ी और हड्डियां होती हैं। डेंजर त्वचा, आंखों या फेफड़ों को स्थायी क्षति की संभावना का संकेत करता है। वार्निंग: AVISO मामूली खतरनाक कीटनाशक होते हैं। कौशन में कम जोखिम वाले कीटनाशक आते हैं और वे कम जोखिम प्रस्तुत करते हैं। विषाक्तता संपर्क, आंखों, त्वचा, श्वास नली की जलन या संवर्गी हो सकती है। सभी लेबलों में सावधानी वाले कथन होते हैं जो आपको यह निर्णय करने में मदद करते हैं कि आप स्वयं को, अन्य लोगों को या पशुओं को एक्सपोजर से कैसे बचाएं, और यह लेबल के अनेक भागों में पाया जा सकता है। स्पेसिफिक एक्शन स्टेटमेंट सावधानियां तथा PPE प्रदान करते हैं। पर्यावरणीय और विशेष चेतावनी संबंधी अभिकथन पर्यावरण को दूषित करने से बचाने में आपकी मदद करते हैं। स्पेशल टॉक्सिसिटी स्टेटमेंट्स बताते हैं कि उत्पाद वन्य जीवन के लिए खतरनाक है या नहीं और क्या सावधानियां बरती जानी चाहिए। बच्चों के लिए अधिक जोखिम होता है क्योंकि उनके शरीर अभी भी विकसित हो रहे होते हैं और वे विषैले पदार्थों को पूरी तरह से दूर करने और खत्म करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। हार्मोन ब्लॉकर्स के कारण भी वे गंभीर रूप से प्रभावित हो सकते हैं। वयस्कों की तुलना में बच्चे अधिक तेजी से सांस लेते हैं, इसलिए वे उच्च सांद्रता के संपर्क में आते हैं। इसके अलावा उनका जोखिम अधिक हो सकता है क्योंकि वे भूमि के अधिक करीब होते हैं। दूसरा पहलू यह है कि शिशु के शरीर के वजन के प्रति यूनिट की त्वचा का क्षेत्र एक वयस्क से कहीं ज्यादा होता है, इसलिए त्वचा के माध्यम से भी उनका जोखिम अधिक होता है। बच्चे अपने हाथों, खिलौनों और अन्य चीजों को अपने मुंह में जल्दी डालते हैं और अंतर्ग्रहण के माध्यम से कीटनाशकों के संपर्क में आ सकते हैं।